हेलो फ्रेंड्स, वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि बंदर चाहे कितना भी बुड्ढा हो जाए लेकिन गुनाटिया मारना नहीं छोड़ता। तो हमारे बीच में दो शख्स ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा है और इन्होंने कल, ये जब आप देख रहे हैं दो जने, एक तो एनर्जी बना मतलब बढ़ा रहे हैं और दूसरा मुस्करा रहे हैं। जरा इनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि कल का क्या रहा। हाँ बताइए भाई साहब। मैं तो बड़ा खुशी सीधा साधा आस्ते आस्ते चल रहा था, पता नहीं कहाँ से मेरे में एनर्जी बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे बचाने वाला भी कंट्रोल नहीं कर पाया। जो एक गुलाटी मार के मेरे पास आए वो जाने, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा चलो, ये आपका एक्सपीरियंस था, वैसे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम फिर से गुलाटियाँ मार रहा, वेट फॉर नेक्स्ट वीक, एक नए साथी के साथ है। तो आप भी बड़े मुस्करा रहे हैं, आपने भी गुलाटियाँ मारी है। गुलाटी तो भी मारी। कैसी रही गुलाटियाँ? गिरने वाले गुलाटी मारने वाले को बचा दिया। अच्छा, तो किस तरीके से, मतलब क्या करूँ बताइए, किस तरीके से गुलाटियाँ मारने का विचार आया आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कोई नहीं आया, वही मेरे सामने आ गए थे। गुलाटी मारने से बचाया मैंने। कैसे, मतलब क्या बात हुई थी? ये तो मुझे पता नहीं, अचानक ऊपर वाले ने भेज दिया था। मतलब ये भाई साहब जो है, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हो? ऊपर वाले ने इनको बोला जा, तेरी जरूरत है उनको। अच्छा, मैं एकदम बदहोश होके और जो डाई मारी मेरे ऊपर, उनके ऊपर लपड़ के साइड में जाके बचाने के चक्कर में मैं अपने बचाने के चिल्लाने लगे। अच्छा, मुझे तो बचा। पासा उल्टा पड़ गया। अच्छा, पासा भी उल्टा पड़ गया। अगर वो मेरे ऊपर आते तो मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा कल का है। अच्छा, ये मिस्टर रविंदर, इन्होंने भी सासे को देखा अपनी आंखों से। आप बताया था, देख नहीं पाया है सासे को, मैं काफी आगे निकल चुका था। अच्छा, ये हमारे भाई साहब ये बताए कि ये थे जो कल हादसा हुआ, वो क्या हुआ? ये हादसा मेरे सामने हुआ पर बचाने की फुल कोशिश की गई। अच्छा, जिन्होंने गुलाटियाँ खाने की कोशिश करी वो पूरी तरह से गुलाटी खाए। मैं उनको बचा ही नहीं पाया। अच्छा, बचाते वो फिर भी खाए गए गुलाटी। अच्छा, वैसे कितनी, किसने कितनी गुलाटियाँ खाई? इन्होंने तो दो खाई। अच्छा, दो में इनकी हालत पछता हुआ। इन्होंने दो खाई, बचाने वाले पूरी कोशिश दूसरे को भी गुलाटियाँ खा ली। तो इन्होंने दो खाई है। अभी तो यही सोच रहा हूँ कि मेरी स्पीड इतनी, मेरी समझ में ये नहीं आया था कि मैं बचाऊँ किसे। अच्छा, आपके समझ ही नहीं आया ये है कि बचाऊँ किसे। ऐसे उड़ा जैसे IPL के छक्के लग रहे थे। मैं उस तरीके से गया और बाउंड्री पे जाके गिरा। किल्ली जाके ना बाउंड्री लाइन पार हुई और ना बाउंड्री के अंदर रही। जैसे एक खिलाड़ी के पीछे दूसरा सपोर्ट में कैच करने के लिए जाता है, उसमें ये मेरे सामने आए। अच्छा, ये मुझे कैच ना करके आउट, खुद ही आउट हो गए। मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब वो ऐसे चल रहे थे तो मैंने सोचा उनका बचपना लौट आया। तो फिर मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे सोचता हो सकता है कि अपने समझाने जा रहे हो, उस खुशी में कुछ ज्यादा ही उतावले हो चुके हैं। अच्छा, हाँ मतलब जो है समझी से कि समझन से मिली खुशी है। अच्छा, मतलब जो है बंदर जो है बूढ़ा बंदर, पता बूढ़ा बंदर जो है जवान हो गया। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि बचपना हो सकता है, बचपना जैसे हम ढलान से कबड्डी खेलते उतरते हैं। अच्छा, तो देखा तो अरे हमारे जीजा जी क्या कर रहे हैं, ये वो तो अच्छा हुआ दीवार से नहीं टकराए। अच्छा, अगर ये टकराते तो हम सोचते सर मार रहे हैं कि हम खेल कहाँ आ गया। नहीं, उन्होंने तो कोशिश कर रहे थे कि साली से टकराने की। मैंने कहा अरे बचाओ बचाओ, तो आगे जो हमारे चल रहे थे जाने वाले
शेर आ गया। अच्छा, वो डर के मारे देखो उनके हाथ में फल का टोकरा था। अच्छा, और वो क्या करे, टोकरा फेंक गया, किसी बचाए। तो उन्होंने कहा छोड़ो, जो गिर रहा गिर, फल ना खराब हो रहा। अच्छा, मतलब फल ना गिरे ना फल, क्योंकि गेस्ट के घर जा रहे थे। हाँ। तो उनको जरूरी लगा कि मैं फल ही बचा सकता हूँ। अच्छा। जो गिर रहे हैं गुलाटी खा रहे हैं उनको मैं नहीं बचा सकता। अच्छा, अच्छा। जो गिर रहे हैं उनको गिरने दो। तो उन्होंने सबसे पहले मतलब अहमियत जो अपने फलों को दी, फलों को दी भाई, वो गेस्ट के घर में जाना है। अच्छा। इसलिए फल ही बहुत जरूरी है। दिल्ली के फल थे। अच्छा, दिल्ली से आए उत्तराखंड की हमारी जर्नी थी। अच्छा। तो इसलिए हमने सोचा पहले फल पान पीते जा रहे, फिर फल इन्हें तो जो फल मिलना था मिल गया, तो हम अपने फल खराब ना करें। अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया। और आप कुछ? हम तो जी कुछ अपने टूटे फूटे। मतलब आपने भी एंजॉय पूरा लिया है ना? नहीं जी, हम तो कुछ ध्यान ही नहीं कर रहे इनकी तरफ। अच्छा, उठाने जा रही थी। कि मैं गिरने वाली थी, मैं सोच रही थी कि मैं गिरूंगी, वो तो पहले कोई और गिर गया है। मेरी है उनको चली गई। मेरी बला उस पे चली गई। तो आप बताओ, आपने कैसा महसूस किया था उस समय जब ये गुलाटियां खा रहे थे? नहीं, मैं तो समझ नहीं पाई ऐसे गुलाट, मैं तो इतनी घबरा गई, हुआ कैसे? वो तो स्लो स्लो ही आराम से जा रहे थे, जाते जाते इनको पति क्या, मैंने सोचा रेस लगा रहे हैं अपनी साली से। हमें तो नहीं मालूम था कि ये इतने खुश होंगे कि गुलाटियां मारने लगे, गुलाटी मारने लगेंगे। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, जाने दो जाने दो। जब मेरी बहन ने देखा कि चीजें, किसी ने बोला अरे बचाओ बचाओ, ये तो दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे, तो मेरी बहन ने बोला बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने सोचा ऐसी मजाक कर रहे साली जी, जगह चल रहा है, मुझे क्या मालूम उन्होंने गुलाटी मारी। मेरी बहन बचा गया, मैं उसको भी गुलाटी दिलवा दी। अच्छा, आपके हस्बैंड ने गुलाटी मारी पहले या आपके बहन ने गुलाटी मारी? अरे उन्होंने गुलाटी मारी, पर किसने गिरे उनको गुलाटी मार दी थी। अच्छा। वो बहन बेचारे के चक्कर में उसकी भी गुलाटी लग गई। तो किसने कितनी गुलाटी मारी? है? किसने कितनी गुलाटियां मारी? दोनों ने दो दो मारी। अच्छा, दोनों ने दो दो? अरे नहीं, दो। आप सही बताओ कितनी दो मारी कह रहे हैं? दो। अच्छा, दो मारे हैं। अच्छा अच्छा, दो फिर मेरा भाई आगे चल रहा था। अच्छा। तो उन्होंने देखा अरे जीजा जी और मेरी बहन गिरे, और दौड़ दौड़ के आया, उठा 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 उठा, ये भी बोलो दौड़ के आए, लेकिन वो सोच रहे मेरी जीजा को ठोक दे। वो सोचने लग गया, और मैं ये सीन देख रही, ये क्या सच्ची में नाटक चल रहा है या हादसा हो गया? लेकिन मेरा भाई सोच रहा कि मैं जीजा को बचाऊं या बहन को बचाऊं। मैंने सोचा भाई देखो किसको बचाता, देखते हैं। अच्छा, भाई को भी मतलब देख रहे थे कि पहले आगे तो ये हमारे नेपाल नरेश। अच्छा अच्छा, जीजा जी जाते हैं। मतलब घायल कौन हुआ ज्यादा? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनको देख के? इनको देख के मैं आगे आगे चल रहा था, मुझे पता था, मुझे पता नहीं था ये गिर गया। मैं गया फिर देखा पीछे के मुड़ के, और ये देखे गिरे की गिरे हुए दो दो। उसके बाद गया दो आदमी उठा रहे थे, उठ नहीं रहे थे, गया मैं फिर उठा के उठा नहीं गया। वहाँ से उठा के फिर घर तक पहुँचाए। ये इन्होंने मदद करी है, इनकी मदद करी। आप कुछ कह रहे हो? बस मैं यही कह रही हूँ, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन जो आपके ऊपर धूल मट्टी लगी है उन कपड़ों का आप लेमिनेशन करवा लें, वो किस लिए? वो इसलिए कि समझाने की मट्टी भी बहुत है हमारे। अच्छा। तो वो जो कपड़े पहने आप संभाल के रखे अलमारी में, इसी तरह यादगार रहेगी कि मैं अपने समझाने गया था। तो वो जो जीजा जी हमारे जिन्होंने गुलाटी खाई है उनके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा,
तो आपने उनसे ये कहा कि उन ड्रेस को याददाश्त के तौर पे संभाल के रखे, लेमिनेशन करा, याद रहे कि मैं पहली बार गया था, कुछ तो लाया वहाँ से, मट्टी ही सही एक्सपीरियंस, टीका नहीं लगाया तो कुछ तो लगाया, मट्टी ही लगा दी, ये बोलना चाहती हूँ। चलो बहुत बहुत अच्छा, अच्छी बात। आप प्रकाश जी, आप लोगो के ओपिनियन थे अपने अपने कि कौन कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा, हुआ क्या एक्चुअली में, क्या था कि हकीकत ये थी कि ये जब ढलान से उतर रहे थे, इनका जो हमारे ये भाई साहब हमारे, इनका जो है अचानक बैलेंस बिगड़ा, और क्योंकि ढलान थी तो बैलेंस बिगड़ते ही इनके कदम जो है तेजी से आगे आगे की ओर बढ़ते चले गए। ये कोशिश तो कर रहे थे कि रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई इनको पुश कर रहा हो, धक्का दे रहा हो, और ये सीधे आगे की तरफ बढ़ते गए। तो क्योंकि आगे आगे इनकी एक साली जा रही थी, जब पीछे से किसी ने आवाज़ मारी कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो भी घबरा के उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस कोशिश के दौरान क्या हुआ कि वो काफ़ी रफ्तार से ऊपर से आ रहे थे और ये नीचे रुके हुए थे, तो ये उस रफ्तार को रोक नहीं पाए, और उनको बचाने के चक्कर में ये एक दूसरे के साथ उलझ गए, और जैसे बंदर गुलाटियाँ मारता है, ये दोनों जीजा साली है जो गुलाटियाँ मारने लगी वहाँ, और वहीं ज़मीन पे गिर पड़े। उसके बाद हम लोग आए, जाना था, हम लोगों ने इनको उठाया, मामूली चोटें आई लेकिन माहौल ठीक रहा, और एक याददाश्त के तौर पे इनका एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही अच्छा है। जो कहावत मैंने बोली थी नहीं कि पहली बार कि बंदर चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटियाँ मारना नहीं छोड़ता, शुभ काम के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में हम किसी शुभ काम के लिए गए थे, और दिल्ली से नलतू गाँव, एक्चुअली मैं यहाँ हूँ, हमारे सोडू भाई है, उनके बेटे अमन के लिए लड़की के बात चल रही थी, तो हम वहाँ पे उनका घर बार भी देखने गए थे, और एक तरीके से हम सगाई करने भी गए थे। तो इसी दौरान एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसको आपके साथ हमने शेयर करा, और बाकी अगर ये कोई मतलब नाटक नहीं था, ये जो भी हुआ रियल में हुआ, हकीकत में हुआ। तो साथियों मेरा आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी कैसी ढलान में उतर रहे हो, खास तौर पे उत्तराखंड के पहाड़ों से, तो अपने पैरों को जमीन के साथ टिका के चले और बैलेंस के साथ चले। कई बार ऐसा होता है कि ढलान में बैलेंस खराब हो जाता है, हम देख रहे थे कई, और हमें ये पता नहीं चलता कि ज़मीन के नीचे और हमारे पैरों के बीच में कितना गैप है, तो उस गैप को कई बार अचानक ही ज़्यादा गैप आ जाता है, तो हमारा पैर जब उस पर पड़ता है तो हमारा शरीर का जो बैलेंस भार होता है वो आगे की आगे की ओर दौड़ जाता है। तो यही था कुछ, बाकी कुछ कहना चाह रही है, कछुए रखे हैं कछुए की चाल पे, लेकिन कल तो कछुए की चाल में नहीं थे, ये कछुए की चाल चले जैसे आप उतरे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप पहाड़ों पे चलो तो कछुए की चाल से चलो।